बच्चों को चिड़िया की आवाज आ रही तो बताएं कि ये चिड़िया की आवाज है, ये कबूतर उड़ रहा है, यू नो इस तरह की आप बातें करें। आप रास्ते में जा रहे हैं तो उनसे बात करें कि आप कहाँ जा रहे हैं, अगर जगह चेंज हुई, हम नानी के घर आ गए हैं, या आपकी नानी का घर है, या ये रेस्टोरेंट है, हम यहाँ खाना खाने आए हैं, ये गाड़ी है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है ना, ये एसी है। इस तरह की आप बातें बच्चों से करें, इससे होगा ये कि उनकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। आप उनको सेंटेंसेस दे रहे हो, आप उनको डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस दे रहे हो, आप उनको डिस्क्रिप्शन करना सिखा रहे हो किसी भी चीज का, और उनको आप बता रहे हो कि भाई ये जो जगह है, फॉर एग्जांपल आप सिटिंग रूम का कर रहे हो, तो ये जो जगह है यहाँ पे आप खाना खाते हो, तो ये जो चीज मैंने की इससे मुझे क्या फायदा हुआ। मैं आयजा को बोलती हूँ, आयजा लेट्स गो टू द सिटिंग रूम फॉर डिनर, या लेट्स गो टू सिटिंग रूम फॉर लंच। आयजा सिटिंग रूम में आ जाती है। गो टू पापा, तो वो मुझसे पूछती है वेयर इज पापा, उसका वेयर इज का वो वेयर इज क्लियर नहीं बोलती, बट वो अपने हाथ क्यों करती है, कहती है पापा, तो मैं उसको कहती हूँ ही इज इन द सिटिंग रूम, तो वो सिटिंग रूम में आ जाती है। ही इज इन द वॉशरूम, तो वॉशरूम की तरफ चले जाती है। ही इज इन द बेडरूम, तो वो बेडरूम की तरफ चले जाती है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि उसको जगह का पता चला कि ओके इस जगह पे क्या होता है, तो इससे ये फायदा होता है, उसको समझ आना, बच्चे को समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि कौन सी जगह पे क्या हो रहा है, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज वो सीख रहा है इससे, ठीक है। वो आपकी मर्जी, आप कौन सी लैंग्वेज आप प्रिफर करते हो, उर्दू करते हो, इंग्लिश करते हो, आपकी मदर टंग जो भी है वो करते हो, दैट इज ऑन यू, लेकिन आप जो करते हो आप उस पर स्टिक रहोगे। आप इंग्लिश तो कंप्लीटली इंग्लिश, उर्दू तो कंप्लीटली उर्दू, सिंधी तो कंप्लीटली सिंधी, मिक्स नहीं करना है कि कुछ वर्ड्स इंग्लिश के बोले, कुछ वर्ड्स उर्दू के बोले, वो नहीं होना चाहिए। खैर, सेकेंड जो आप करो, बुक्स, बुक रीडिंग। आपको लगेगा एक महीने का बच्चा है यार, भी एक महीने के बच्चे को क्या, बुक रीडिंग जब से बच्चा पैदा होता है तब से स्टार्ट कर दो, आपकी जिंदगी स्कूल लाइफ तक आसान हो जाएगी, बिलीव मी। आपका बच्चा बुक्स को लव करेगा, और यही चीज आई थिंक हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा बुक्स को लव करे, और जितना स्क्रीन से दूर है वो हर पेरेंट खुश होता है मेरे ख्याल में। तो बुक्स से आपके बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है। स्टार्टिंग में आप फ्लैप्स वाली बुक्स अगर आप लें, मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी किस तरह की आप लोग बुक्स ले सकते हो, पर अभी के लिए बुक्स लें, चाहे उसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ आप स्टोरी सुनाएं, उनकी विकैबरी इन्हांस होगी। मैंने देखा है पेरेंट्स जो ना वो बुक्स वन वर्ड वाली लें, मैं ये नहीं कह रही नहीं लो बिल्कुल भी नहीं, वन वर्ड वाली जो बुक्स आती हैं वो लें, वो अच्छी बात है, इजी टू कैरी होती है। आप कहीं जा रहे हैं तो आपने बच्चे को दे दी, बच्चा गाड़ी में उस चीज़ देख रहा है, दैट्स फाइन, बट थोड़ी सेंटेंसेस वाली भी लें ताकि बच्चे को वो सुने एटलीस्ट, तो वो जब सुनेगा तो उसकी मेमोरी में जाएगी। तो जब आप ये जो सेंटेंसेस वाली लेते हैं उसके बाद तो आती है फ्लिप्स वाली, टच वाली। इनिशियली आप ये बुक्स लें, ये बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। आइजा, आइजा, गिव मामा माय प्रेजेंस, दैट इज डियर जू, गिव मामा माय प्रेजेंस, माय प्रेजेंस, ये हा हा मेसी। Aiza, give mama ha ha Macy. Ha ha Macy. Yay, good job. Can I have Dear Zoo now? Dear Zoo. Can I have Dear Zoo please? Welcome. Can I have Dear Zoo? Dear Zoo. Yay, good job. High five. High five. Pink. Which color is this? Balloon. Let's start. My first letter, book, ABC. What is this? Apple. A is for apples that are sweet and juicy. What are these? What is this? This is not a balloon. This is a ball. This is balloon. B is for balloons, balls, and what are these? Biscuits. K is for coat. Coat, which keep me warm. Yes. D is for duck that floats in my bath.
अभी आइजा बुक्स खोलती है और उसको रीड करती है. जो टेक्निक्स मैं यूज करती हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल पहले टाइटल पढ़ना, फिर राइटर पर पढ़ना और फिर बुक खोलना, वो लिटरली वो पॉइंट करती है उन वर्ड्स पे और वो बैबल करती है, वो बोलने की कोशिश करती है. आइजा, व्हाट इज दिस? व्हिच बुक इज दिस? व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? दिस इज आइजाज बुक, बट व्हाट इज दिस? टॉय. टॉय. व्हाट इज दिस? Bubble. What is this? Bubble. This is Bobo. What? Who is this? Toy. Giraffe. Giraffe. What is this? Toy. Good girl. Bye bye, Jess. Bubble. Good girl. Books को turn करती है वो through वो pictures समझने लगी है. जैसे एक book है Owl Babies, वो उसको पता है कि उसकी पेजेस में हमें इसमें मम्मी ढूंढनी है. मम्मी छोड़ के चले गए बच्चों को कहीं और वो बच्चे मम्मी का वेट करें, तो बोलती है वेयर इज मम्मा, और फिर वो ढूंढती है. फिर जैसे ही आवर मदर आती है तो बोलती है देयर शी इज, वो हैप्पी हो जाती है. तो ये लैंग्वेज डेवलप हो रही है उसकी लैंग्वेज, और लैंग्वेज सिर्फ बोलना नहीं होता, उसको अंडरस्टैंड करना भी होता है. तो वो अंडरस्टैंड करेगी बुक में हो क्या रहा है. गर्ल बेबी, वेयर इज मम्मी? फाइंड मम्मी. They're praying for their mommy. There she is. Mommy. Where's mommy? Yeah. Oh, there she is. Mommy. Aaya na ke. Black sheep, black sheep. What do you see? I see a goldfish looking at me. Goldfish, goldfish, what do you see? I see a teacher looking at me. जब आपका बच्चा पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, मैंने आपको बताया कि 8 to 9 months से बच्चा पॉइंट करता है जिस चीज से बच्चे को इंटरेस्ट है. जब वो पॉइंट करना, आप खुद बच्चों को, जब बच्चा 6 months का हो जाता है बैठना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि पहले लेटा हुआ होता है, तो लेटे हुए भी आप ये चीज कर सकते हो, पर उसकी आई साइट इतनी, मतलब साइट जो डेवलप नहीं होती. अराउंड 6 months आप ये चीज कर सकते हो कि आप बच्चे को उठा के आप घूम रहे हो, तो आप चीजों को पॉइंट करो, ये टीवी है, ये फ्रिज है, यहाँ हम खाना रखते हैं ताकि अगले दिन खा सकें, ये चूल्हा है, ये बहुत गर्म होता है इससे दूर रहना है, ये पानी का कूलर है, यहाँ इस पर ठंडा ठंडा पानी होता है. तो पॉइंट करके आप जितनी चीजों को आप बताएंगे, बच्चा उससे नाम, बच्चा वोकैबुलरी सीखेगा, उससे बच्चा सीखेगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है. ठीक है. जब भी मैं चाय पीती थी, या जब भी हम चाय पी रहे थे मेरे हस्बैंड और मैं, तो आइजा हमने शुरू से ही बोला था दिस इज हॉट टी, मम्मा इज ब्रिंगिंग हॉट टी, बी केयरफुल, मम्मा इज ब्रिंगिंग हॉट टी. अब जब भी मैं चाय लेके आती हूँ वो ये चीज रिपीट करती है, वो हॉट टी बोलती है. उसे 9 months से हॉट टी बोलना स्टार्ट कर दिया था, बॉल और इस तरह की चीजें वो उसने पिक किया और उसने बोलना स्टार्ट कर दिया. हाय, व्हाट हैपेंड? Why are you crying? Oh, you woke up and mama was not there? Were you scared? Why were you scared? You shouldn't be scared. और एक लास्ट चीज वो ये है कि आपका बच्चा जब बोलना स्टार्ट करेगा तो वो तोतला बोलता है. जैसे पानी को वो बोलेगा मम मम, ठीक है, या मम, बच्चे ये चीज करते हैं. आपको वो चीज रिपीट नहीं करनी, आपको सही करना. फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चा बोल रहा है मम मम, तो आप बोलो ओ आपको पानी चाहिए, पानी पीना है आपको, और फिर आप इस तरह. पर आपको नहीं बोला मम चाहिए, ओके मम, बच्चा आपको कभी सही नहीं करेगा. ठीक है. आयजा जो है वो पानी को वाटर को वावा बोलती है. जब उसने वावा बोलना स्टार्ट किया तो मैंने वावा नहीं बोला कि आपको वावा चाहिए, या डू यू वॉन्ट वावा, हियर यू गो, दिस इज योर, हियर इज योर वावा. मैंने जब भी उसको बोला, मैंने बोला डू यू वॉन्ट वॉटर, दे यू गो, हियर इज योर वॉटर. अब वो वॉटर बोलने लगी है, वो बोलती है, अभी भी वो वावा बोलती है और फिर वो वॉटर भी बोलती है, दोनों कभी कभी जो मूड होता है वो बोलती है. तो है ना, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दैट, बोगी, यस, ओ माय गॉडनेस, यू रिमेंबर दैट, डोंट पिक योर नोज. Don't pick your nose. Are you picking your nose? Why?
पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोएम से बच्चा बहुत सारे लैंग्वेज सीखता है. फॉर एग्जाम्पल ओल्ड मैकडोनल्ड में जो हम करते हैं मू मू हियर एंड मू मू देयर, हियर मू देयर मू एवरीवेयर मू मू, तो हियर देयर एवरीवेयर. व्हील्स ऑन द बस गोज राउंड एंड राउंड, तो वो राउंड मोशन सर्कुलर मोशन सीख रहा है. वाइपर ऑन द बस, तो जब भी आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो आपके आप लोग वाइपर यूज कर रहे हैं तो बच्चों को पता है वाइपर, क्योंकि जब भी ये चीज होती है तो मैं उसको बोलती हूँ तो आइज नोज व्हाट वाइपर इज, क्योंकि बच्चा स्टोरी में सुन रहा है पोएम में सुन रहा है, बच्चे को सच में तो नहीं पता. तो बच्चों को स्टोरीज को पोएम को रियल लाइफ से जरूर कनेक्ट करें. बस आपने रास्ते में देखी आप बताएं ये बस है, गाड़ी में जो आपका सफर होता है उसमें आप बातें करें बच्चों से, चांद मून स्टार्स दिखाएं, वेयर इज द मून, जब बिल्डिंग के पीछे मून छुप चांद छुप जाते तो आप पूछे वेयर इज द मून, बच्चों को ढूंढने दें. लैंग्वेज तो डिवेलप हो रही है साथ में दिमाग भी तेज हो रहा है इससे बच्चों का. What do you see? Look at the sky. The sky is clear today. Huh? There's no moon. It's daytime. Huh? Stars and moons, they don't come. They don't. They're not in the sky in the morning. You cannot see the sun in the. You cannot see the moon and the star in the morning. Huh? You can see stars at night. Huh? Sun is too bright. That's why you cannot see them. In the daytime. Can you see the sun? Where is the sun? Can you see the sun? It's right behind us. Look, it's up there. It's too shiny. You cannot see it. You cannot look into it. Sun? Sun? Find sun? Find where is the sun? Yes, right behind us. All through town? The wheels on the bus go round and round. Yes, the wheels on the rickshaw goes round and round. Round and round. All through the town. The wipers on the bus goes swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, swish, swish. All through the town. The horn on the bus goes beep, beep, bop. Beep, beep, bop. Beep, beep, bop. The horn on the bus goes beep, beep, bop. All through the town. The horn, see, the horn in the car also going beep, beep, beep. The motor in the car goes vroom, vroom, vroom. Motor, motor, vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. The motor in the car goes vroom, vroom, vroom. All through the town. The signals in the bus goes blink. What do you see? Clouds. Yes, those are clouds. Are you sleepy? Are you sleepy, Aisha? तो ब्रेन डेवलपमेंट पहले साल में जो हो रही होती है ना उसमें बच्चों को आप जितना अपना टाइम दे दोगे, जितना ये चीजें करोगे बच्चों के साथ, उतना आपके लिए आपकी लाइफ इजी है. क्योंकि मैंने नोट किया कि वन ईयर के बाद मुझे आइजक को हार्डली किसी, अगर मुझे कुछ न्यू चीज आइजक को सिखानी है मुझे हार्डली एक बार जिसको बताना पड़ता है वो फौरन पिक करती है. आप जो भी एक्टिविटीज देखते हो ना जो आइजक कर रही होती है, मैं कोई बार बार करके उसको रट्टा नहीं मरवाती हूँ, कोई भी चीज रट्टा नहीं हो रही होती है, हाँ रिपीट हो रही होती है, बट मोस्टली मैं एक दो दफा उसको करवाती हूँ वो चैंपियन, वो बस वो फौरन कर देती है. तो मेरा ये ख्याल है, आई एम नॉट श्योर 100% श्योर कि ये, पर आई थिंक वो पहला जो साल आइजक को मैंने दिया है ये यही चीज में, जो मैंने आपको बताया मैंने ये किया, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, ठीक है, यही चीजें मैं करती थी. और इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज जो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी जो डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड है जो मैंने आइजक के साथ की है, उसका रिजल्ट जो है वो मैं अब देख रही हूँ एज अ
जिस तरह ऐसा ऐसा बड़ी हो रही है. गुड गर्ल, यू शुड कवर योर माउथ. ऐसे बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम. See you next time with Hi. Another topic. Smile. Okay, smile. Jeez. Okay guys, thank you. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और थम्स अप जरूर करें इस वीडियो को. Bye. As I give a flying kiss, a nice flying kiss. Good girl.